ओम शांति। 30 सितंबर के बाबा के साकार महावाक्य, मीठे बच्चे सदा श्रीमत पर चलना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। पहला प्रश्न, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं, ऊंच पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा प्रश्न, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो, जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कॉरोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। ये तो आत्मा जानती है। हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है, भल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते। कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे आसुरी संतान थे, अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी यह भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, न कि अपनी मन मत पर। मन मत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वे बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए सतो प्रधान की महिमा भी होती है। बरोबर जानते हैं हम सुख धाम के मालिक बनते हैं नंबरवार। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया है, ये भी पुरुषार्थ है, जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगर तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही ओना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंच ते ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो व नहीं वह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, ये भी देहधारी है, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है,
मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वे कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं पवित्रता की। मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाएं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुख धाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह ब्रह्मा की मत नहीं है, ये तो पुरुषार्थी है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को यह फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सत्युग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कॉरोनेशन है। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती हैं। यह जो दीपमाला मनाते हैं वह है झूठी। बाहर के दीपक जगाते हैं, वहां तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उजाई है सारी दुनिया की, इसमें भी खास भारतवासी आम दुनिया। अभी पाप आत्माएं तो सब हैं, सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुक तो करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऊंचते ऊंच पद पाने का, श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है, अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हो, शिव बाबा की याद बिकर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो। देह के संबंध सब त्याग करने पड़े, मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे सिवाय एक बाप के, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, यह बाप दादा भी समझ सकते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं, श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं, क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो, क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं, वह भी निकलना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि वह है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई, जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं।
हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई विकारी यहाँ अंदर मधुबन में आ ना सके, बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये तो अच्छा नहीं, पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंतकाल वह मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की भी याद ना आए, ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, नहीं उन्हों को बुलाना कायदा नहीं, कायदे से चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु तमोप्रधान बुद्धि ये समझते नहीं हैं। ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं, बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। ये है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, पतित ठहर ना सके, मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वे याद आएंगे, देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं, श्रीमत पर ना चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है, सर्विस लायक बन ना सकें, कितना भी माथा मारें परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते, अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। लौकिक बाप के पास भी चार पांच बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे प्रिय लगते हैं, जो आज्ञाकारी नहीं वे तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है, अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही श्री बाबा याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं, कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं, वे इतना खुशी में नहीं रह सकते, ऊंच पद पा न सकें। तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है, बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वह है जिस्मानी विद्या, ये तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो श्री बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो, खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती हैं दिन रात, क्योंकि यह वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं, देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं, क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं, क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है, मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं हैं, क्रोध में जलते हैं, क्रोध का भूत बहुतों में है, कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं, निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं ये तो कपूत हैं, मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं, सिवाय एक बाप के किसको भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को शांति धाम को याद करो, ये तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है, कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली
कान काट लेती है, जन्म लिया है, कहते हैं हम ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है, तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है, बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पावें तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला न बने। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, किसकी निंदा, शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो, इसमें अहंकार की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं, कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। दूसरी पॉइंट, क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है, क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण, स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहला, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन, वारिस वह है जो एवरेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। ओम शांति।